मध्य प्रदेश का सियासी संकट भले ही अभी खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन लगातार चल रही उहापोह की स्थिति में लगता तो है कि कोई एक ऐसा जीत जाएगा जो फिलहाल सरकार में नहीं है, यानी बीजेपी के पक्ष को मजबूती मिल रही है। बेंगलुरु में बंधक का आरोप लगा रही कांग्रेस भले हो, लेकिन जब 22 विधायकों ने मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद से ये अटकलें लग रही है कि शायद मध्य प्रदेश में भाजपा जीत जाए, लेकिन इसके बाद से बीजेपी इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है। बीजेपी अब उन राज्यों में नजर गड़ा रही है, नजर दौड़ा रही है जिन राज्यों में उसे कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी को भले ही सत्ता नहीं मिली हो, लेकिन कांग्रेस को अगर सत्ता मिली तो वो भी 2 सीट कम था बहुमत से, लेकिन निर्दलीय और एक दूसरे पार्टी के विधायक के समर्थन के बल पर अशोक गहलोत सरकार चल रही है। जब इतना नजदीकी का मामला हो और उस हालात में पार्टी के अंदर अगर विधायकों के बीच और नेताओं के बीच असंतोष जाहिर होगा तो जाहिर सी बात है कि विरोधी दल इसका फायदा उठाना चाहेंगे। सचिन पायलट के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है कि वो शुरुआत से ही अशोक गहलोत से खफा चलते हैं, यानी इन दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। हाल ही के दिनों में और इसी साल 2020 के जनवरी में जब कोटा के अंदर बच्चों की एक साथ मौत हुई थी, तो जब सचिन पायलट वहां पहुंचे तो अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया था। और दूसरी तरफ इस पूरे मसले के बीच देश की सबसे मशहूर रेसलर ने बबीता फोगाट ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया है जो बेहद ही चर्चा का विषय है और इसे मीडिया के बीच काफी उछाला जा रहा है। जी हाँ, बबीता फोगाट बीजेपी की सदस्य हैं और वो बीजेपी पार्टी से हैं, और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उधर पायलट ने भी बीजेपी सदस्यता वाले नंबर पर मिस कॉल मार दी है, #गुपसूत्र #कांग्रेस मुक्त भारत। और इस ट्वीट का अभी तक सचिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या सचिन की ये चुप्पी कुछ सवाल खड़ा करती है। तो देखना होगा ये कि बीजेपी अब राजस्थान में क्या चमत्कार करती है। SPN 9 न्यूज़ के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।